Woke up, no sir, I lost my phone. I don't know how I made it home. Swap that this time would be the end. Know how I made it home, I gotta keep it real. Mission party sneaking in, somewhere we ain't never been. Said I'd never drink again, it's gon' kill me in the end. Sometimes we gotta party every now and then. And if I had a chance, I'd probably do it all again. यहाँ पे ग्राउंड है, सो दिस इज द ग्राउंड और यहाँ पे हो रही है स्पोर्ट्स होने वाले हैं. ये रहा यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स होने वाले हैं. दिस इज BAQAI इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल आई डोंट नो समथिंग. हेलो हेलो मेट, सॉरी मैम. सो दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर MBBS right here. Seeing it. Just come to me all again. Woke up, no sir, I lost my phone. I don't know how I made it home. Swap that this time would be the end. But I just come to it all again. Do it all again, leave that in the past, right? Last night was super slow, but I lit that fast life. Blowing all my cash with no worries, I'ma get it back. Think I took too many shots, no wonder why my vision black. Don't know how I made it home, messed around and lost my phone. Probably never drink again, it's gon' kill me in the end. Woke up with my shirt off, feeling so sedated. This life I wouldn't trade it, I guess we really made it. Woke up, no shirt, I lost my phone. This is a cafe here, और यहाँ पे ये cafe है. This is BM, I don't know what it is, but BMU. This is a cafe, और ये second cafe है. This cafe is used by the MBBS students. कौन है? तो असलम भाई, आप अपना नाम बताइए. वालेकुम सलाम, मेरा नाम बिलाल मलिक. तो आप यहाँ पे किस MBBS के स्टूडेंट? MBBS सेकेंड ईयर, मेरे एग्जाम होने वाले इंशाल्लाह, थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाऊँगा. ओके, तो आप BAQAI के कुछ मुझे अच्छे बात बताएं. BAQAI की अच्छी बात है लाइक क्या? यार पहले तो बात यह है कि डिग्री MBBS आपको पता है कितना माशाल्लाह अच्छी है. डॉक्टर हम बन रहे हैं, मैं खुद पंजाब से हूँ, पंजाब बावलपुर से. तो यहाँ पर ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पर इसकी मतलब काफ़ी सुना है, नाम भी सुना है. तो माशाल्लाह मैंने टेस्ट दिया था इसका, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया था. तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है. नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ पर
हॉस्टल भी है वैसे, मैंने वैसे बाहर ज्वाइन किया था अपना। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, टीचिंग स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ क्लियरली हमें समझ आ जाती है, मॉडल वगैरह बाकी भी मतलब कुछ भी है इस तरह का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह यूनिवर्सिटी में हर तरह की। आपका एनुअल सिस्टम है, आपको सारे पेपर एक साथ देने, मतलब आप उसमें कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं? नहीं, हमारा इस तरह से शायद पहले होती हो किसी को, मगर अब जो हमारा ये सिस्टम है इसमें ये है कि मतलब हम साल के अंदर हमारे 5 पेपर भी होते हैं, हर मतलब 2 मंथ बाद एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल उसमें है और एनुअल भी है। तो मॉड्यूल ये है कि मतलब हम 5 देते हैं, 100 नंबर का वो हमारा एग्रीगेट मंथ है और 100 नंबर का हमारा एनुअल में होता है। तो मतलब हर मंथ हम वो भी पढ़ते रहते हैं, हमारी तैयारी सही रह जाती है। तो लेकिन एनुअल जो होता है वो मतलब एक बंदा एंड में ही बिल्कुल पढ़ता है, कोई पेपर नहीं होता। अगर पेपर ना हो एंड में पढ़ाई की जाए उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी डिफिकल्टी। हाँ, साथ साथ कवर और एंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि फिर पेपर होते रहते हैं ना, तो इस हिसाब से मतलब अच्छी पढ़ाई होती रहती है, तैयार भी होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप बोलेंगे लोगों को पढ़ाई आना चाहिए? यार मैं तो कहूँगा कि जितना हो सके मतलब आना चाहिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नाम है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटियों की नस्बत बाकी भी अच्छी है, मगर ये एक पुरानी है, काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब जो है हमारे स्टाफ वगैरह हैं सीनियर्स हैं काफ़ी, और काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। आपसे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे लोग रात को जा रहे हैं फंक्शन है तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती क्या, मतलब कोई रात को एक तो ये है कि जो इनके फंक्शन होते हैं वो काफ़ी बाहर ही होते हैं, यूनिवर्सिटी में इतना नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी में ये फंक्शन अरेंज भी करते हैं तो इनकी टाइमिंग होती है मतलब 4 बजे 5 बजे मैक्सिमम मतलब 6 बजे तक ऑफ कर देते हैं। तो हाँ, एक तो है कि जो शहर में होती है उसका ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, ताकि वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर हाईवे है सारी तो आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है हमें। और बाकी भी हमारे जो दोस्त हैं, चलो हम तो गाड़ी पे आ जाते हैं कार वगैरह पे, बाकी जो दोस्त हैं जिन्होंने पॉइंट नहीं रखे हुए, अब मैक्सिमम ये होता है कि मतलब आधे स्टूडेंट पॉइंट पे आते हैं, आधे से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं आते, तो वो मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह मेट्रो यूज़ करते हैं। उसमें मैं भी काफ़ी दफ़ा आया हूँ, प्रॉब्लम आती है, मतलब आ जाता हूँ जब दोस्त साथ नहीं होते तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है मेट्रो पे आना, क्योंकि इतना रश होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने में भी, साथ होती है अगर शहर में होती उधर भी। अगर हम किसी वो मतलब जैसे वो आजकल गाड़ियाँ चल गई करीम उबर हो गई, उनको भी बुलाएं तो वो भी हमें नहीं आते, इधर वो कहते हैं कि भाई हाईवे है उधर हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, इतना दूर है वापसी की गाड़ी नहीं मिलेगी, इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी पढ़ाई के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा माहौल है यार, हमें माशाल्लाह सेकेंड ईयर इंड होने वाले, थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है। तो आप लोगों का वर्ल्ड को भी देखना है, लाइक उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करें।
Okay, so you would recommend people to come into BAQAI? Yeah, I would recommend people, but there's a little bit mismanagement in BAQAI. So I feel like they should work on this. There's a little bit mismanagement during activities and all that. But yeah, it's good for educational like system. Is the quality, so yeah, I would recommend people to come to BAQAI. Yes. Do it all again, leave that in the past, right?